हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल सेफ्टी सोलूशंस में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है एच डब्ल्यू एल कैलकुलेसन ऑफ वायर ऑफ सीलिंग आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम जानेंगे किसी भी वायर ऑफ सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करें यदि आप वायर ऑफ सीलिंग का लोड कैलकुलेसन सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वायर ऑफ सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करें इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले हमारा वीडियो हाउ टू इंस्पेक्ट वायर ऑफ सीलिंग जरूर देखें एच डब्ल्यू एल कैलकुलेशन से पहले पार्ट ऑफ वायर ऑफ सीलिंग की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है इसलिए हम यहाँ पार्ट्स ऑफ वायर ऑफ सीलिंग के विषय में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वायर ऑफ सेकेंड कोर थर्ड स्ट्रेंड फोर्थ वायर फिफ्थ सेंटर वायर कोर कोर वायर ऑफ सीलिंग के सेंटर में होता है और वायर ऑफ सीलिंग को राउंड शेप में असेंबल होने में मदद करता है तथा तो सीलिंग का स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है कोर प्राय दो प्रकार के होते हैं फाइबर कोर वायर कोर एच एल सेफ वर्किंग लोड डब्लू एल एल वर्किंग लोड लिमिट रेटेड लोड रेटेड लोड सीलिंग का मैक्सिमम वर्किंग लोड होता है जो सीलिंग मैन्युफैक्चरर के द्वारा फिक्स किया जाता है रेटेड कैपेसिटी और वर्किंग लोड लिमिट का प्रयोग रेटेड लोड को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है वायर ओप ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है जिस पे वह मटेरियल ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फार्मूला ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डी स्क्वायर इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन इंच वायर रोप सभी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला वन इंच डायमीटर और रेशियो पे आधारित होता है इस फार्मूला के अनुसार ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सीलिंग का डया और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन इंच वायर रोप चाहिए वन इंच फाइबर कोर वायर रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फोर्टी टू होता है इसलिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर कोर वायर रोप इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू फोर्टी टू फॉर फाइबर कोर इम्प्रूव्ड पोलो स्टील एग्जाम्पल यह इस फार्मूला को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करके देखेंगे डे ऑफ फाइबर कोर वायर वायरोप सीलिंग इक्वल टू हाफ इंच ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू फोर्टी टू इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू फोर्टी टू इक्वल टू फोर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव टन यानी हाफ इंच फाइबर कोर वायर ऑफ सीलिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेन पॉइंट फाइव टन हुआ वन इंच वायर कोर वायरोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फोर्टी होता है इसलिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर कोर वायर रोप इक्वल टू डी ए स्क्वायर इंटू फोर्टी फाइव फॉर फाइबर कोर इम्प्रूव्ड पोलो स्टील इस थ्योरी को भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे डे ऑफ वायर कोर वायर ओप सीलिंग इक्वल टू हाफ इंच ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू फोर्टी फाइव इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू फोर्टी फाइव इक्वल टू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू अलेवन पॉइंट टू फाइव टन यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही डया का सीलिंग का कोर चेंज होने से उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है जैसा कि एग्जाम्पल वन में हमने देखा हाफ इंच वायर ऑफ सीलिंग जिसका कोर फाइबर का था उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 10.5 पॉइंट टन आया जबकि दूसरे एग्जाम्पल में हाफ इंच वायर ऑफ सीलिंग जिसका कोर वायर का था उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 11.25 आया यानी वायर ऑफ सीलिंग का कोर इसके कैपेसिटी को बढ़ाया घटा सकता है यानी कोर के मटेरियल और कंडीशन का सीधा असर सीलिंग के स्ट्रेंथ पे पड़ता है अब यहाँ हम सेफ वर्किंग लोड यानी एच डब्ल्यू एल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला के विषय में जानेंगे एच डब्ल्यू एल इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई सेफ्टी फैक्टर इस फार्मूला के अनुसार हमें एच डब्ल्यू एल निकालने के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी फैक्टर की आवश्यकता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालना हो तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पिछले दो एग्जाम्पल में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया है बट सवाल ये है कि हम सेफ्टी फैक्टर कहाँ से लाएँ सेफ्टी फैक्टर सीलिंग मनुफैक्चर के टीसी के ऊपर मेंशन रहता है हम सेफ्टी फैक्टर वहाँ से ले सकते हैं या मैनुफैक्चर को ईमेल द्वारा कंटेक्ट करके भी हम सेफ्टी फैक्टर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम्पल dia of fiber core wire of ceiling equal to half inch breaking strength equal to d square into 42 equal to 1 by 2 into 1 by 2 into 42 equal to 42 divided by 4 equal to 10.5 ton safe working load equal to 10.5 divided by 5 for safety factor 5 is to 1 equal to 2.1 ton Any yani 2 ton ये एच डब्ल्यू एल का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ हम वायर कोर वायर ऑफ सीलिंग का एच डब्ल्यू एल कैलकुलेट करेंगे डेया ऑफ़ वायर कोर वायर ऑफ सीलिंग इक्वल टू हाफ इंच ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू फोर्टी फाइव इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू फोर्टी फाइव इक्वल टू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू अलेवन पॉइंट टू फाइव टन अब सेफ वर्किंग लोड इक्वल टू एलेवन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फॉर सेफ्टी फैक्टर फाइव इज टू वन इक्वल टू टू पॉइंट टू फाइव टन यानी इस सीलिंग का एच डब्ल्यू एल टू टन हुआ अब हम यहाँ सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने के दूसरे फार्मूला के विषय में जानेंगे सेफ वर्किंग लोड एच डब्ल्यू एल इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एट अब इस फार्मूला को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे डे ऑफ फायर ऑफ सीलिंग इक्वल टू हाफ इंच सेफ वर्किंग लोड एच डब्ल्यू एल इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एट इक्वल टू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू एट इक्वल टू एट डिवाइडेड बाई फोर इक्वल टू टू टन यानी सीलिंग का एच डब्ल्यू एल टू टन हुआ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कमेंट करें यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग